ओके चलिए, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में अब आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऐसे फैक्टर जो एसिडिक स्ट्रेंथ पे इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे मन में एसिड का लॉजिक बहुत क्लियर है। एसिड मतलब ऐसे स्पीसीज जो एच प्लस को डोनेट करेंगे, बिकॉज मोस्टली एसिड जो है वो एच प्लस को डोनेट करते हैं। हाँ, कोई एसिड ऐसा है जो एच प्लस को डोनेट नहीं करते, बट वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज लुईस एसिड बेस्ड डेफिनेशन, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। चलिए, तो एसिड का मतलब है ऐसे जो एच प्लस को डोनेट कर पाए। अब ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर ये एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है? तो अगर एसिड ज़्यादा H प्लस देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर एसिड कम H प्लस देगा तो वीक एसिड होगा, है कि नहीं। तो एक सिंपल सी बात आप ध्यान रखो बच्चों कि एसिड्स डोनेट H प्लस आयन इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। तो हम तो एसिड को ऐसे ही पहचानते हैं भाई कि एसिड मतलब सम एच ए, जैसे एक्वियस करोगे इट विल गिव यू एच प्लस आयन एंड ए माइनस आयन। दिस इज व्हाट द एसिड मींस टू अस, राइट। तो अब जो एसिड का स्ट्रेंथ है ना वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, ओके। एक डिपेंड करता है कि ये एच और ए के बीच का जो बॉन्ड है ना वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा डिपेंड करता है एच और ए के बीच का बॉन्ड जो है ना वो कितना पोलर है, राइट। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन टू थिंग। फर्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड, एंड सेकंड पोलारिटी ऑफ एच ए बॉन्ड। चलो भाई, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ क्या है एच ए बॉन्ड का, राइट, और दूसरा डिपेंड करेगा एच ए बॉन्ड का पोलारिटी कितना है। भाई सिंपल सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा ना ये रहना है भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड। आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है भाई ये। अगर ये H और A के बीच का बॉन्ड अगर मजबूत हो गया तो H प्लस निकल कैसे पाएगा? अगर H और A के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो H का जाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा H प्लस नहीं निकलेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, राइट। तो जितना H और A के बीच का बॉन्ड मजबूत होगा ना उतना एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों के, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड वीकर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड बिटवीन एच एंड ए वीकर इज द एसिड। अब ये किस पर्टिकुलर के अंदर डोमिनेट करेगा? तो ये डोमिनेट करेगा बच्चों व्हेन यू डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, राइट। तो ये आपको बच्चों पॉइंट ध्यान में रखना है, दिस पॉइंट डोमिनेट टू डिसाइड एसिड स्ट्रेंथ of elements, acid strength of elements in same group, acid strength of element in same group। देखो मैं इसको हाईलाइट करूंगा भाई। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इफ यू टॉक अबाउट द एसिड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 17, फ्लोरिन बनाएगा एच एफ, क्लोरिन बनाएगा एच सी एल, ब्रोमिन बनाएगा एच बी आर, आयोडीन बनाएगा एच आई। चलिए, अगर आपको ये पूछा जाए भाई कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, तो आप ये चेक करो कि भाई ऐसा कौन है जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दोनों छोटे छोटे साइज के हैं, इसमें जो ओवरलैपिंग होगा ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये एच और एफ के बीच का बॉन्ड बहुत मजबूत है, मतलब यहाँ पे H का निकलना मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यू कैन राइट हियर दिस एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज। जितना छोटा होगा ना उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो, क्योंकि ओवरलैपिंग प्रॉपर होगा ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होना है भाई, देयर इज गोना बी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज,
और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड कैसा रहेगा, वीकेस्ट रहेगा। चलो यहाँ पे आओ, एच आई में क्या होगा, आई तो बड़ी साइज का है, आयोडीन बहुत नीचे आता है चौथे ग्रुप में या पांचवे ग्रुप में, राइट। तो आयोडीन तो बहुत ही बड़ी साइज का है, इतना अच्छे से वो एच के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड है ना वो कैसा रहेगा, वीकेस्ट रहेगा, दिस इज वीकेस्ट बॉन्ड। बॉन्ड वीक है मतलब यहाँ पे एच का जाना आसान है, तो यहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ एच आई सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, एच एफ सबसे कम एसिडिक रहेगा। इनफैक्ट एच एफ इज इन द कैटेगरी ऑफ वीक एसिड और बाकी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एच आई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एच आई कैसा है भाई, एच आई जो है ना वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, राइट। ओके, तो दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ, तो ये डोमिनेट करेगा किसके अंदर भाई, ये आपका डोमिनेट करेगा ग्रुप में। ओके, तो जब भी आप ग्रुप के एसिड की बात करो, जैसे चलिए आप एक और ले लो बच्चों, H2O NH2S। चलिए सिंपल बताइए मुझे, H2O ऑक्सीजन छोटी साइज का है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा मतलब ये H को जाने नहीं देगा। H2S सल्फर थोड़ी बड़ी साइज का होगा तो ये H को आराम से जाने देगा, कंपेयर करो इन दोनों को। तो यू कैन से H2O इज लेस एसिडिक, H2S इज मोर एसिडिक, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब पोलारिटी पे आ जाओ। पोलारिटी का मतलब क्या है, एसिड के लिए एच प्लस को जाना है, एच प्लस को जाना है मतलब हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन रख के जाना है, मतलब कोई ना कोई साथ में ऐसा होना चाहिए जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखे, समझो लॉजिक को। अगर कोई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा ना तो हाइड्रोजन के लिए H प्लस की फॉर्म में निकलना आसान हो जाएगा, राइट। मतलब ये है कि अगर आपका ये H और A के बीच का जो बॉन्ड है, अगर इसमें ये A जो है आपका, अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। वही तो चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो ये H जो है ना वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन रख के जा सकता है, समझे आप लॉजिक, राइट। ये H क्या करेगा, आराम से अपना इलेक्ट्रॉन रख के निकल लेगा, राइट। ओके, तो आप बात याद रखो बच्चों के स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलारिटी ऑफ एच ए बॉन्ड। जितना ज़्यादा एच ए बॉन्ड पोलर होगा उतना ईजिली एच प्लस निकल जाएगा, राइट। एंड दिस फैक्टर विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स ऑफ द एलिमेंट इन सेम पीरियड, राइट। चलो, तो दिस विल डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेम पीरियड। चलो, जैसे कि मैं आपको सेम सेकेंड पीरियड की बात करता हूँ बच्चों, सेकेंड पीरियड के अंदर आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो सेकेंड पीरियड में अगर आप पी ब्लॉक में जाओगे ना तो ग्रुप नंबर 13 से आपके जो एलिमेंट है सेकेंड पीरियड के अंदर, दैट एलिमेंट्स आर बेसिकली बोरॉन, राइट। बोरॉन के बाद आएगा आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा आपका फ्लोरीन, राइट। कार्बन रह गया बीच में, चलो इन सब के आप एसिड बनाओ, एसिड मतलब इनके साथ मैं हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, तो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन जोड़ो तो वैलेंसी के हिसाब से BH3 बनेगा, ये CH4 बनेगा, ये NH3 बनेगा, ये H2O बनेगा और ये बनेगा आपका HF। चलो, अब आप ये डिसाइड करो कि इन सब में से कौन सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड बनाएगा, तो पोलर बॉन्ड के लिए आपको ये जो दूसरा स्पीसीज है ना वो जितना बने उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है, तो ये जो HF वाला बॉन्ड है ना ये मैक्सिमम पोलर होगा। ये बॉन्ड कैसा होगा भाई साहब, मैक्सिमम पोलर बॉन्ड होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसकी बात करोगे ना तो बोरॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो बोरॉन का जो बॉन्ड होगा ना वो लीस्ट पोलर होगा। तो अगर ये लीस्ट पोलर है तो इसमें से H प्लस का निकलना भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज बोरॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है फ्लोरीन द्वारा, तो H प्लस निकल जाएगा यहाँ से, तो आपका HF सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा इन द सेकेंड पीरियड,
राइट सेकेंड पीरियड में एच एफ सबसे ज्यादा ऐसे दिख रहे हैं। सिमिलरली आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट ले सकते हो बच्चों, एच टू एस करो आप, एच सी एल करो, राइट पी एच थ्री करो, तो भी आपका सेम ऑर्डर रहेगा। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडा, दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। जो सबसे ज्यादा पोलर वो सबसे ज्यादा एसिडिक, जो सबसे कम पोलर वो सबसे कम एसिडिक, राइट। तो चलो ये दो फैक्टर हो गए। तीसरा बच्चों आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, और क्योंकि आप ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक पढ़े नहीं हो तो इसलिए मैं आपके दिमाग पे भी जोर नहीं डालूंगा। जब हम रेडॉक्स का चैप्टर करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर भी, राइट। सीख जाओगे आप अगले चैप्टर के अंदर। चलिए फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट करोगे ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं।